गाइस वेलकम बैक अगेन माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आपका फिर से हमारे एक नए से ब्लॉग में स्वागत है। हम अभी जा रहे हैं वापी। एक्चुअली मुझे बाइक में लगवाना है फॉग लैंप इसलिए लगवाने हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक एक लॉन्ग राइड है, मानसून राइड जाना है। लगभग 9 से 10 दिन की राइड होगी। आप लोगों को मेरे ब्लॉग में दिखाई देगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मालूम पड़ जाएगा। और उसी की तैयारी के लिए फॉग लैंप पहले लगवाया था लेकिन वो प्रॉपर अच्छा नहीं था, तो डे नाइट हमको ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए फॉग लैंप लगवाना बहुत ज़रूरी है। जो कंपनी फिटिंग लाइट आते हैं रात को उसमें इतना अच्छा दिखाई नहीं देता, और बारिश का भी मौसम है तो इसके लिए अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं लॉन्ग राइड के विषय में सोच रहा था लेकिन समय सेट नहीं हो रहा था। एक्चुअली करता हूँ मैं होटल में जॉब, जो शायद पहले भी आप लोगों को बताया था, उसकी वजह से थोड़ा मेरा टाइम सेट नहीं होता है। तो इस बार मैंने नेक्स्ट वीक का जो लॉन्ग राइड थोड़ा सेट किया है अच्छे से कि अपन लगभग 8 से 9-10 दिन का एक लॉन्ग राइड करके आते हैं। गुजरात बॉर्डर पे लगता है, ज़्यादातर हम आए होंगे तो आप लोग देखे होंगे हमारा दूसरा वाला एक बॉर्डर है वो देखा होगा, ये भी एक है चेक पोस्ट। टर्निंग वगैरह पे भी लोग इतना तेज चलते हैं कि ऐसे लगता है कि भाई टर्निंग आ रही है, जहाँ तुमको मुड़ना है चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर स्लो हो जाओ, अक्कल नहीं है गाड़ी चलाने की कैसे। बना बहुत अच्छा बना है अंडरपास, बहुत अच्छा
रेलवे के नीचे जाने के लिए। सर थोड़ा बारिश से तकलीफ होती है, पानी ज़्यादा बारिश बहुत हो भर जाता है, बाकी बहुत ही अच्छा है समझ लो। लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी सुविधा है, ट्रैफिक जाम नहीं होता है। पहले नहीं बना है, एक छोटा सा अंडरपास था यहाँ पे, अभी भी है, चालू है, आगे तो दिखाता हूँ, लेकिन तो सब बहुत कंजेस्टेड, बहुत दिक्कत होती थी। ऐसे तो बंद कर दिया, फिर भी बाइक वाले मानते नहीं हैं, घुस जाते हैं। आगे ही वापी रेलवे स्टेशन है सामने। बाइक से चलने पे लॉन्ग राइड करने का मजा तो आता है, सावधानी पूर्वक थोड़ा रखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, सुरक्षा, हेलमेट, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, सब कुछ आपको पहन के चलना पड़ेगा, सेफ एकदम। बाकी ऊपर वाले के हाथ, एक जगह कहीं पे रुकूं, पहले अमित को फोन लगाऊं, भाई डरे, आगे कहीं रुकता हूँ फिर अमित बाबू को फोन करता हूँ। फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बंदा आगे ही दिख गया। थोड़ी सी हम भी बदमाशी करेंगे, यहाँ बीच से निकलेंगे। ये अमित बाबू आई गए हैं, इधर ही हैं। ये शॉप है जहाँ पे हमें लगवाना है लाइट। अमित बाबू पे देखो लाइट लग भी रही है। अभी देखिए मैं इसमें लाइट लगवाने जा रहा हूँ। फॉग लैंप हमने दो सेलेक्ट किया है। ये अमित ने, अमित कौन सा सेलेक्ट किया आपने? ये वाला दिखाओ जरा। अमित ने ये सेलेक्ट किया है, ये लाइट देखिए, भाई साहब की ये दुकान है। मैंने भी सेम ऐसे ही लाइट सेलेक्ट किया है जिसमें मेरे लगवाने की, ये लीजिए, ये अमित की बाइक है, ठीक, बुलेट इलेक्ट्रा मेरी। हम लोग वही राइडिंग की तैयारी कर रहे हैं आगे की। फ्रंट से देखो अपना लाइट लग के हो गया तैयार, ये इस साइड में लगाया, ये अपने को 2200 की पड़ी, काफ़ी अच्छी फिटिंग की है इन्होंने। और एक लाइट इधर लगाया हुआ है इन्होंने, ये टोटल पेयर लगे हैं। तो लॉन्ग राइड के लिए ये लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाईवे पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं कि उनकी लाइट क्या है, हमारी लाइट कुछ दिखती नहीं, क्योंकि जो मेन लाइट है वो कंपनी फिटिंग है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो अच्छी है। अभी ये लग के कम्प्लीट हो गया मेरी बाइक में, और ये अमित की बाइक, इन्होंने भी दोनों लाइट लगवा ली है, एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है इनका। इसने बैक में भी, ये बैक में ये ब्रेक वाला लगवाया इसने लाइट, काफ़ी अच्छा लगवाया इसने। चलो भाई, अपना लाइट लगवा के हो गया, लाइट पे खर्चा हो गया 2000। आगे ब्रिज से चलेंगे तो बहुत ट्रैफिक है, अपने को इधर से लेफ्ट ले लेते हैं और जैसे आए थे उसी रास्ते जाते हैं। अब अमित आएगा संडे को शाम को, तो मंडे को अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे दोनों लोग एक साथ। अच्छा हुआ हम इधर से आए, नहीं तो उधर तो बहुत ट्रैफिक थी। अगर हम फ्लाई ओवर के ऊपर से आते तो बहुत ट्रैफिक थी, अभी तो फ्लाई ओवर पे भी फंसे रहते हैं। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, घंटी वाला बटन टन उसको दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दमन में हम कर गए इंटर, वापस आ गए दमन, इधर से गए थे उधर से वापस आए। इधर से क्या रूट खाली मिलता है, पूरा का पूरा रूट खाली रहता है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होता है। उधर ट्रैफिक इतनी होती है कि टाइम बहुत खराब होता है और उधर से पेट्रोल भी बन सकता है। ये मेरे लेफ्ट साइड में फ्लेयर पेन, आप सबको पता होगा फ्लेयर पेन, ये फ्लेयर पेन की कंपनी है वर्ल्ड क्लास पेन बनाने का दावा करती है। गाड़ियों की चेकिंग तो बराबर चल रही है, लोगों का हेलमेट पेपर ये सब लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उसके लिए मेन तो हेलमेट का ही चेकिंग है। पता नहीं लोग हेलमेट क्यों नहीं लगाते, लाइफ अपनी है, इसलिए भैया हेलमेट लगाओ फिर गाड़ी चलाओ। मस्त आ गए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी किटकिट के। हर महादेव जय जय शिव शंभो शिव शंभो। लो जी हम आ गए अपने घर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।